Hey guys, welcome back to our channel. और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं सैंडविच, वो भी अपने स्टाइल का, जो कि बन चुका है और इंट्रो बाद में शूट हो रहा है। तो ये देखो ग्रिल, टडा, ये बना बनाया रहा। गिर जाएगा यार, मुझे लगा तूने पकड़ लिया, अभी गिरता। कैसी ये प्लेट, पकड़ चल। तो ये है हमारे सामने हमारी प्यारी छपरी, प्यारी हिमांशी, छोटी हिमांशी। ठीक है, कोई और ये बने हैं सैंडविचेस, और सैंडविचेस ग्रिल्ड सैंडविचेस। एक बात बताओ सीक्रेट, साथ में चाय जो ये नहीं पी रही है, मैंने अपने लिए बनवा लिया मम्मी से। तो गाइस ये देख लो, ये हमारी कुछ सामग्रियां या सामग्रियां, ठीक है, हवन तो कर नहीं रहे हैं, मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ इंग्रेडिएंट्स को, लेकिन सामग्री बोलेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास प्याज है, टमाटर है बारीक कटा हुआ, जो कि मैंने मम्मी से कटवा लिया है। कैप्सिकम जैसा लग रहा है। हाँ यार, कैप्सिकम जैसा लग रहा है क्योंकि इसका पानी गायब है। यहाँ पे अपना कॉर्न है। तो यहाँ पे गाइज ये चीज रखा है जो कि हम यूज करने वाले हैं चीज सैंडविच में, चीज सैंडविच बनाने जा रहे हैं। तो उसी में ये अपने चीज क्यूब्स ले आया था मैं, कुछ अगर यूज हुआ तो ये भी डाल देंगे। ये ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स है, बाकी एक्स्ट्रा भी हमारे पास, इसमें इतना ही दिखाया है। ओप्स, और ये अपनी बड़ी जम्बो ब्रेड, तो ये यूज करने वाले हैं इसके साथ। ये अपना एक पनीनी मेकर, जिसको मैं पनीनी मेकर ही बोलता हूँ, हालांकि इससे ग्रिल सैंडविचेस बनते हैं, तो वो है। और साथ में अपनी प्यारी प्यारी सी सॉसेज हैं, पिज्जा पास्ता सॉस, आई मीन पास्ता एंड पिज्जा, मुझे पिज्जा बोलना पहले पसंद है, और पिज्जा टॉपिंग। तो आप सोचो कि टॉपिंग क्यों डाल रहा हूँ इसमें, क्योंकि अच्छा लगता है, मैं एक बार और बना चुका हूँ पिछली बार, लेकिन तवे पर बनाया था, इस बार इस पर बनाएंगे। तो ये है खासियत, मेकिंग ग्रिल्ड सैंडविचेस एट होम। देखो भाई, नॉर्मल वाला तो बना बना के थक चुके थे, तो सीधी बात है आज ये इसमें बना रहे ग्रिल वाला घर पे। अब ग्रिल बाहर का तो भाई बहुत महंगा होता है गाइस, तो इसलिए घर में। तो गाइस अब इसकी प्रिपरेशन शुरू करता हूँ, बनाने शुरू करता हूँ, और आप तभी आपको दिखाता हूँ। गाइस ये हमने पहला बनाया, और इसमें चीज़ को हमने तोड़ तोड़ के रख दिया उसके स्लाइस को, और हल्का सा कॉर्न डाला है, और ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाला है। तो हम दो तीन तरीके के बनाएंगे, वही ग्रिल्ड वाले ही, लेकिन इसमें भी अलग अलग फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं। अभी कुछ में सॉसेस भी लगाएंगे, तो देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा सबसे ज़्यादा। तो गाइस ये दूसरा वाला है जिसमें हमने पिज्ज़ा पास्ता सॉस लगा दिया, और पिज्ज़ा टॉपिंग इस साइड लगा दिया है, और बाकी अपनी चीज़ स्लाइस रखी है नीचे। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स डाली हैं, ये तीनों हमारी जो थी, प्याज वगैरह और कॉर्न वगैरह दिख रहे होंगे, वगैरह, और ये चीज़ ऊपर से डाला है हमने, और साथ में ओरिगैनो भी है, चिली फ्लेक्स भी है, तो ये दूसरे टाइप का हो गया। अभी और प्रोग्रेस दिखाते हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो गाइस अभी इसको यहाँ पर सेट कर दिया हमने ग्रिल वाले को, और इसके अंदर ब्रेड पक रही है, तो अब इसको ज़रा खोल के देख लूँ मैं हुई है कि नहीं, क्योंकि दो मिनट से रख रखा है। OMG, are those grill lines? भाई की तो प्यारा लग रहा है, चलो इसको निकाल लेते हैं अब। गाइस रखते हैं अब इसको, एक ये प्लेस कर दिया मैंने, और नीचे बटर डाल रखा है जिससे है ना ये चिपके ना, और ऊपर भी लगा रखा है ब्रेड के मैंने, ताकि वो भी चिपके ना। इसको अच्छे से एडजस्ट कर दूँ, अंदर आ जाए, ये जल गया मैं आराम से। हाँ आराम से, ज़्यादा गर्म नहीं था। अब इसको बंद कर देंगे, ये अब ये लॉक हो गया ना, अब इसको दो मिनट तक रखना है, बस दो मिनट में हो जाता है अपना बढ़िया तैयार। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड अगर कोई बड़ा देख रहा है तो बड़े जन, तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया इसको, ये देख रहे हो क्रिस्पीनेस, शेफ आयुष के द्वारा बनाया हुआ, सहायक हमारी हिमांशी थी। ये निकल क्यों नहीं रहा है, बेइज्जती हो रही है, सॉरी गाइस, कट कर देना, कट तो मैं ही करूँगा, कट तो मैं ही करूँगा। तो गाइस देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में 200-250 का सौदा है, या 150 का भी कह सकते हैं, पता नहीं। भाई लोगों देखो यार, ये ऐसा बन चुका है जिसमें हमने सॉसेज लगाई थी तरह तरह की, ये कितना प्यारा लग रहा है, मतलब अच्छा ही लग रहा है। ऑब्वियसली ग्रिल लाइंस भी है इसमें, मार्क्स भी हैं, और अंदर से हार्ड वो इसके लिए क्योंकि ब्रेड ही ऐसी है, मैंने बटर लगाया है। हाँ वो इसकी क्रिस्पीनेस, चल इसका भी रिव्यू दे दे तू, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है सच में। कैसा टेस्ट आ रहा है, डोमिनोज का जैसे रिव्यू करती है वैसी करो, तीखा है सबसे पहले तो। हाँ जो अलग अलग सॉसेज है ना, हाँ हाँ, उसका मिक्स होके बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया। अच्छा अच्छा, पिज्जे जैसा लग रहा है, कैसा तंदूरी टाइप, पिज्जे से भी अच्छा है, ओके। और कॉर्न का तो आपको पता ही फ्लेवर, हाँ हाँ, कॉर्न भी आ रहा है, और इसमें मैंने ऑरिगैनो चिली फ्लेक्स भी डाला, तो थोड़ा उसका एसेंस होगा। नाइस, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा चीजी सा और टैंगी सा फ्लेवर आ रहा है, तीखा तो है ये चिली फ्लेक्स से, सो बेस्ट है। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ से ऐसा दिख रहा है, हमारी थोड़ी ब्रेड हार्ड थी, बस यही कमी है, जो मैं कमी भी बताना चाहूँगा ना अपने खाने की, बस इतना हल्का सा लग रहा था, ज़्यादा नहीं, और लेकिन वो क्रिस्पी सा लग रहा है, तो वो अच्छा भी लग रहा है, तो अपने अपने ऊपर है वो तो।
तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियो देखनी है होम रेसिपीज टाइप की देखनी है तो बता देना।